Hello guys, in this video we will look at Jammu and Kashmir as it is the current issue going on in the country. So we are supposed to take up this issue, why it is important. So let's see the peculiarities and the features of Jammu and Kashmir. First of all, 1951 mein Constituent Assembly ki establishment ki gayi thi, jo ki Jammu and Kashmir ke liye सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा. सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली फॉर जे एंड के. अगर हम इंडियन स्टेट्स की बात करें तो सिर्फ जे एंड के, सिर्फ ऐसा एक ही स्टेट है जिसका खुद का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है. बाकी जो भी इंडियन स्टेट्स हैं उनके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो करना पड़ता है, लेकिन जे एंड के का केस इज समथिंग डिफरेंट. So Constitution of J&K was adopted on 17 September 1956. 56 में जम्मू एंड कश्मीर ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया और 26 जनवरी 1957 को इम्प्लीमेंट किया, इन्फोर्स किया. सो कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स स्पेशल स्टेटस टू J&K अंडर आर्टिकल 370. रिमेंबर दिस आर्टिकल, आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यह आर्टिकल कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया जा सकता है. तो उसके उसी के तहत जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया ने सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने की परमिशन दी है, बट स्टिल इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट. सो लेट्स सी सम फीचर्स एंड पिक्युलैरिटीज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर? तो भले ही इस जम्मू एंड कश्मीर का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन हो, लेकिन उसके बावजूद भी जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन अलग होने से स्टेट अलग नहीं हो जाता, देश से बाहर नहीं हो जाता. कुछ पार्ट्स अभी भी ऐसे हैं, या फिर जैसे हम कहें डिफेंस, स्पेशली डिफेंस इन जम्मू एंड कश्मीर, या फिर फॉरेन पॉलिसीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दिस ऑल आर कैरिड आउट बाय इंडियन गवर्नमेंट. तो यहाँ पर ये देखना जरूरी है कि सारे पावर्स स्टेट्स को नहीं दिए गए हैं, बल्कि जो जो जरूरी पावर स्टेट को देना है वो सब दे चुके हैं, लेकिन जो इसेंशियल पावर्स हैं जो कि स्टेट्स को नहीं दे सकते, वो पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जैसे कि डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी. सो जम्मू एंड कश्मीर इज एन पार्ट ऑफ इंडिया, देन इट सिक्योर्स जस्टिस. अगेन इस कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तरह ही कुछ फीचर्स ऐड किए गए हैं, फिलोसॉफिकल फीचर्स वी कैन से. सो इट सिक्योर्स जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी टू द पीपल ऑफ स्टेट. तो ये लोगों को ये सब राइट्स अवेलेबल कराता है. देन इट सेज दैट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंप्राइजेस ऑल द टेरिटरी. तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 15 अगस्त 1947 के दिन जम्मू एंड कश्मीर का जो हिस्सा उस वक्त इंडिया में था, वो पूरा का पूरा हिस्सा अभी भी इंडिया में होगा, यही हम कंसिडर करेंगे, इंक्लूडिंग POK, स्पेशली मेंशनिंग पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर. तो उसको मिलाकर हम कश्मीर का मैप बनाते हैं. अगर हम इंडिया का मैप देखें तो उसमें पूरा कश्मीर शामिल है, विच इज अगेन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, दिस इज अगेन इंडियन कश्मीर, सियाचिन, एवरीथिंग कम्स इन इट. तो मैप के अंदर हम पूरा कश्मीर दिखाते हैं. सो इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड इट कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर ऑफकोर्स अवेलेबल एंड मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो. और उसी के साथ दीज आर नॉन जस्टिसेबल. भले ही ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, लेकिन फिर भी वो नॉन जस्टिसेबल हैं, तो उसे कोर्ट में हम चैलेंज नहीं कर सकते. देन इट प्रोवाइड्स बाय कैमरल लेजिस्लेचर. जम्मू एंड कश्मीर में दो लेजिस्लेचर हैं, जिसे हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल. सो इंडिया में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर बाय कैमरल लेजिस्लेचर्स हैं, उन्हीं में से एक जम्मू एंड कश्मीर भी है. सो दिस इज अबाउट दैट. द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जरिए ही जम्मू एंड कश्मीर का भी गवर्नर अपॉइंट किया जाएगा लाइक अदर स्टेट्स। इट एस्टैब्लिशेस अ हाई कोर्ट कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस। यहां पर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता बल्कि डायरेक्टली सिर्फ हाई कोर्ट होता है। स्टेट में सिर्फ हाई कोर्ट्स होते हैं एंड दे आर अपॉइंटेड बाय द सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट। ऑफ कोर्स गवर्नर इज इन कंसल्टेशन। तो इनके जरिए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एंड जस्टिस की अपॉइंटमेंट की जाती है। देन इट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट्स का ये एक अलग फीचर है कि वो जो रिट्स हैं वो रिट्स सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही इशू कर सकते हैं। वेर एज अदर स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये जो स्टेट्स के हाई कोर्ट्स हैं उनको फंडामेंटल राइट्स के अलावा बाकी चीजों में भी रिट्स इशू करने का अधिकार है। सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन दी हाई कोर्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एंड दैट ऑफ द अदर स्टेट्स। सो इट प्रोवाइड्स फॉर गवर्नर्स रूल। यहां पर भी गवर्नर्स रूल का प्रोविजन दिया गया है जहां पर अगर लगा गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को, कि जम्मू एंड कश्मीर के हालात बहुत बिगड़ चुके हैं और वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुकी है, तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नर्स रूल दैट इज प्रेसिडेंट रूल कैन बी इंप्लीमेंटेड बाय आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ही कैन डिसॉल्व द असेंबली। जैसे बाकी स्टेट्स के असेंबली को डिसॉल्व किया जाता है उसी तरह से इस स्टेट्स के असेंबली को भी बर्खास्त किया जा सकता है। ही कैन डिसमिस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट हैज दिस राइट टू डिसमिस थ्रू गवर्नर। तो गवर्नर कैन डिसमिस दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दैट इज मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। सो गवर्नर्स रूल कैन बी इम्पोज वेन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन। प्लीज रिमेंबर दिस सेंटेंस, जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने यहां पर कहा है कि अगर जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर सरकार काम नहीं करती है तो ही ऐसे सिचुएशन में ही उस स्टेट की असेंबली को डिसॉल्व किया जाएगा और वहां पर प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज किया जाएगा। सो एंड लास्टली इट डिक्लेयर्स उर्दू एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। कश्मीर की उर्दू ये ऑफिशियल लैंग्वेज है एंड इट ऑल्सो परमिट्स द यूज ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश भी वहां पर चलती है एंड देन इट लेस डाउन द प्रोसीजर फॉर इट्स अमेंडमेंट। अमेंडमेंट विल नीड्स टू बी पास्ड बाय द बोथ हाउसेस बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप। सो ऑफ कोर्स यहां पर भी वही प्रोविजन दी गई है जो पार्लियामेंट में है। देन असेंबली अमेंडमेंट बिल मस्ट बी इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली। यहां पर एक स्पेशलिटी है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में ही अमेंडमेंट बिल को लाया जा सकता है एंड नॉट इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।